हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ लिक्विड लिक्विड का या फिर सॉलिड का एंड द एंट्रोपी चेंज फॉर रिजर्वायर सिंक एंड सोर्स। इन सभी टर्म्स के लिए हम लोग एंट्रोपी चेंज देखेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं इस इक्वेशन के विषय में, TdS इक्वल्स टू DuPdV। ओके, ये होती है, ये फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम लोग निकाले थे प्रीवियस वीडियो में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, सो अब यहाँ पर ये इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, ये क्या होते हैं, बेसिकली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। ओके, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दैट मीन्स क्या होगा कि इनका चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का यही डिफिनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर सी पी जो होगा और सी वी जो होगा वो सी के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर डी वी जीरो होने की वजह से ये टर्म तो जीरो हो जाएगा इस इक्वेशन का। सो क्या बचेगा, टी डी एस इक्वल्स टू डी यू, ये बचेगा। अब डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, TdS इक्वल्स टू CvdT। ओके, सो यहाँ पर CvdT होगा, बट CvCp इक्वल्स टू C होता है, इनके सब सॉलिड, तो क्या हो जाएगा, DS इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, CdT ओवर T। ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो S2 माइनस S1 इक्वल्स टू CcLn t T2 T1 हो जाएगा, या फिर T final जो होगा हमारा वो T2 एंड T initial। ओके, ये लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे। ओके, सो ये हो जाएगा CLn T final upon T initial, ठीक है। ये इक्वेशन होगी हमारी चेंज इन एंट्रोपी की फॉर लिक्विड के केस में या सॉलिड के केस में। ओके, अब हम चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिजर्वायर देखते हैं। रिजर्वायर के केस में क्या देखते हैं, रिजर्वायर। ओके, रिजर्वायर के केस में देखते हैं, देखो ये सपोज करो एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर टी है और ये हीट रिजेक्ट कर रहा है क्यू हीट। ओके, सो क्या हो जाएगा, टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू होता है, ठीक है। तो DS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DQ। रिजेक्ट होती, जब हीट रिजेक्ट होती है सिस्टम से तो क्या होता है, वो हमारा क्या किया जाता है, उसको निगेटिव लिया जाता है, तो Q/T हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा इन केस ऑफ सोर्स के केस में हो जाएगा, ठीक है। अब इन केस ऑफ सिंक क्या करेंगे हम लोग, सिंक के केस में क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ पर ये ले लिया हमने सिंक और सिस्टम इसको कंसिडर करेंगे, जैसे कि उसमें सिस्टम इसको कंसिडर किए थे। तो यहाँ से हीट इसमें ऐड हो रही है, जो भी हीट है वो ऐड हो रही है इसमें, ठीक। और इसका टेम्परेचर टी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, TdS इक्वल्स टू DQ की हेल्प से लुक करेंगे तो क्या हो जाएगा, DS इक्वल्स टू Q/T हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी सिंक के लिए। ओके, ये सिंक के लिए हो जाएगी और ये सोर्स के लिए हो जाएगी। अब इसको S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं DS को। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द एंट्रोपी चेंज फॉर लिक्विड सॉलिड एंड रिजर्वायर में सिंक और सोर्स के लिए। सो आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।